बिगड़ना शुरू हो जाते हैं वो करीबन मतलब जो गलत आदत में पड़ जाते हैं नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं ठीक है इन इनके जिम्मेदार ज़्यादातर उनके माँ बाप भी होते एक सही उनको मतलब वो नहीं मिलती और दूसरी बात इसमें मतलब जो शिक्षक है उनकी भी भूमिका होनी चाहिए कि उनको सही रास्ता दिखाने का तो हमने इस फिल्म के माध्यम से ये कोशिश की है कि उन माँ बाप को ये एहसास कराया जाए कि उनके बच्चों को सही शिक्षा दी जाए सही मार्गदर्शन दिया जाए ताकि वो एक शिक्षित होकर समाज में एक अच्छी भूमिका निभाए समाज में एक अच्छे नागरिक बनकर सामने आए तो ये हमारा फिल्म के माध्यम से प्रयास है। का पर्व चल रहा है और हम मानते हैं कि जब हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए अच्छे समय की ज़रूरत होती है और जब अच्छे मुहूर्त में आपके काम की शुरुआत हो और शायद मुझे लगता है कि नवरात्र पर्व से बेहतर कुछ नहीं है जब माँ का भी आशीर्वाद मिले तो हम सभी लोगों के लिए आगे आने वाला समय हमेशा शुभ होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि सूर्यवंशी जी ने अभी बताया मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि बहुत खुद भी ये बहुत कम उम्र के दिखाई देते हैं और इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी गहराई से समाज के विषय में सोचा। अभी तक हम समाज के विषय पर ऐसा सोचने वाले व्यक्ति का मैं अभिनंदन भी करती हूँ और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए भी हैं कि वो जीवन में इस प्रकार के बहुत से काम करें। ये फिल्म आने वाले समय में हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी। अभी तक ये होता है कि हम इस तबके को हमेशा छोड़ देते हैं और भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध रही है लेकिन इस समृद्ध संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने का जब हम जिम्मा लेते हैं तो ये एक सशक्त माध्यम है। इस माध्यम का उन्होंने उपयोग किया और समाज के उस तबके के बच्चों को जोड़ने की कोशिश की है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है जहाँ पर वो जब अपने काम की शुरुआत करते हैं तो कई बार राह भटकते हैं केवल इस अभाव में कि उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। उचित मार्गदर्शन अगर मिलेगा तो वो भी इस राष्ट्र के बेहतर नागरिक बनेंगे उनका भविष्य भी बेहतर होगा समाज का भविष्य भी बेहतर होगा और अगर समाज का भविष्य बेहतर होगा तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत और सशक्त होगा। मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूँ इस अच्छे काम की शुरुआत के लिए और उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आप सबको भी और आप सबकी पूरी टीम को भी बहुत अभिनंदन के साथ बहुत बधाई। ठीक है रेडी है रोलिंग क्लैप सामने देख एन एक्शन। अबे बिल्लू तूने होमवर्क किया कि नहीं किया? होमवर्क? अबे वो क्या होता है? अबे साले आठवीं पढ़ता है तेरे को होमवर्क नहीं मालूम? भाई वो मोटू सर ने कभी ऐसा पढ़ाया कि नहीं? अबे तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे भाई पेशल की क्लास लेके आया है लेकिन भाई भी तो वहीं से पढ़ा है ना।
लेकिन भाई के पास ना भेजा है भेजा, समझे कि नहीं? तेरे पास बड़ा भेजा है बे टकलू। अबे वो सब छोड़ो, अब स्कूल कैसे जाए? जैसे रोज जाते हैं। मतलब वो नहीं, हम में से किसी ने होमवर्क नहीं किया और बिना होमवर्क के जाएंगे तो सर हमारा सर फोड़ देगा बे। कट। ठीक। अखिलेश भाई, या फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से मैं उन बच्चों को एक अच्छी मतलब मार्गदर्शन देने का जो काम रहता है वो कर या तो शिक्षकों का रहता है या तो उनके अभिभावकों का रहता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ इस फिल्म से उनकी जिम्मेदारी का एहसास उनको दिलाऊँ कि उनकी क्या जिम्मेदारी है बच्चों को एक समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए। ये मेरे इस फिल्म के माध्यम से प्रयास है और मैं चाहूँगा शासन से कि इस फिल्म के निर्माण के लिए जो कुछ संभव मदद हो वो मिले और इस फिल्म की रिलीजिंग के लिए भी मदद मिले, क्योंकि मैं चाहूँगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि फिल्म का 50% मुनाफे का 50% हम बच्चों के शिक्षा के लिए डोनेट करने जा रहे हैं। अपना नाम बताना। मेरा नाम कुणाल सूर्यवंशी है, मैं इस फिल्म को निर्देशित करने जा रहा हूँ। आज क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब जो है भूमिका निभाते हैं शिक्षक और जो भी स्टूडेंट हैं उनके अभिभावक, क्योंकि किसी भी प्रदेश की तरक्की उसकी शिक्षा के ऊपर डिपेंड, वहाँ के लोग कितने शिक्षित हैं ये इनके ऊपर डिपेंड रहता है कि वहाँ के कितने शिक्षित हैं। तो मैंने ये शिक्षा का मुद्दा उठाया इस फिल्म के माध्यम, उन्होंने आया और इस फिल्म का मुहूर्त किया जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी सहयोग मिला उनका और एक जोश और जुनून आया इस फिल्म को बनाने के लिए। कलाकार है सारे। ठीक है ना? रोल कैमरा, रोल भैया जी, ठीक है, एक्शन। हाइट बढ़ा लो थोड़ी। मोर फोटो वाला फोटो नहीं चाहिए, ठीक है? मारो रोल कैमरा एक्शन, ठीक है? ओके बनोगे साहब, बनोगे साहब।